तो ये जो है ये हिमाचल बीच का ट्रैक स्टार्ट हो गया, तो सामने बीच है, ये जो मेरा बीच का ट्रैक है, तो वो सामने बीच है, आप देखें इस साइड पे बीच है और इस साइड पे ये ट्रैक है, इसके साथ जॉगिंग ट्रैक भी है। मेरे राइट साइड पे बीच है, राइट साइड पे बिल्डिंग है, तो ये सारे जो है बीच का ट्रैक स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, मोस्टली रश जो है वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा मिलेगा। लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी भी चला रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको हर टाइप का आदमी मिलेगा, रनिंग वाला, जॉगिंग वाला, ब्रेस्ट वॉकिंग वाला, नहाने वाला, घूमने आने वाला। तो क्योंकि ये देखिए सारा बीच है, वो बुर्जारा उस तरफ हमने जाना है बुर्जारा के पास, तो मैं आपको जाके वहाँ तक दिखाऊंगा। और ये देखें सारा ये बीच कह दिए, सारा बीच कह दिए, जॉगिंग ट्रैक है, ये साइकिलिंग ट्रैक है, सूरज निकला हुआ है आपके लेफ्ट साइड पे, सूरज है राइट साइड पे, समंदर है। तो इस तरीके से बना हुआ है सारा, तो मैं यहाँ पर ये आपको पूरा ट्रैक दिखाता हूँ। मैं बीच में क्लिप क्लिप करके आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं पूरा ही आपको दिखा देता हूँ, क्लिप करके देखने का क्या फ़ायदा, पूरा ट्रैक ही देख लें आप, थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन सही है, बस वो क्या कर सकते हैं। ये मेरा आपका लेफ्ट साइड पे जो है आपके फिर भी होटल्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ रेजिडेंसीज हैं, मिक्स हैं, गेस्ट हाउस हैं। राइट साइड पे बीच है, जो इंटर हुए हैं ये कहलाता है नॉर्मल बीच, अभी जो आ रहे हैं ये काइड बीच कहलाता है, वो जुमेरा बीच कहलाता है, ये जो है इसको काइड बीच का नाम दिया हुआ है मे भी इस वजह से दिया हुआ है कि यहाँ पे काइट्स भी लोग उड़ाते हैं, यहाँ पे काइट्स अलाउ है इस एरिया में उड़ाने, तो आई थिंक मे भी यही रीज़न होगा इसका काइट भी दिया हुआ कि यहाँ पे आप काइट्स वगैरह उड़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे रनिंग भी बहुत की है, ये राइट साइड पे जो है ना आपका राइट साइड पे जो जॉगिंग ट्रैक है इस पर बहुत रनिंग की है, लेफ्ट साइड पर पार्किंग है सारी, तो रेस्टोरेंट्स भी हैं, लोग आए, कुछ लोगों ने एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद कॉफ़ी पी रहे होंगे, कुछ रनिंग कर ली। वैसे मैं अर्ली इन द मॉर्निंग ही आया हूँ, अभी जो टाइम है अराउंड 7:30 हो रहा होगा, 7:30-7:40, लेकिन आज छुट्टी का दिन है, संडे है ना, तो यहाँ पे आप आज जब भी आओगे यहाँ पे तो रश आपको हमेशा मिलेगा, इवनिंग में और ज़्यादा हो जाता है लेकिन मॉर्निंग में भी मैं जब भी आया हूँ यहाँ पे लोगों का रश मुझे मिलता है, क्योंकि ये आई थिंक ये वन ऑफ द फेमस स्पॉट है, मतलब इजी टू एक्सेस, क्योंकि बच्चियाँ चला रही हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी, उसके पीछे उसकी अम्मा भी चला रही हैं, तो वन ऑफ द फेमस स्पॉट है यूई का, और वेरी इजी टू एक्सेस, और जैसे मैंने आपको बताया हर टाइप के लोग आए होते हैं, हर टाइप का रोग है, क्योंकि बहुत फेमस है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई स्कूटी चला रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, तो ये देखा आपने फॉल डाउन हो गया इसके बंदे का, बंदा जा रहा था मस्त हो गया, टक्कर मार के उसने फॉल डाउन कर दिया, तो ऐसा भी होती कहानी है इम्प्रेस करने के लिए, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए लोग कर रहे होते हैं, तो कुछ के अंदर मस्ती चढ़ी होती है, बस बंदे बंदे की बात होती है, डिफरेंट डिफरेंट तबीयत के बंदे होते हैं, तो वो भी टक्कर मार दी उसने जोश में आके, और उसके दोस्त हैं वो हंस के बता रहे हैं उसको कि बड़ा अच्छा काम कर, एनीवे
यंग जनरेशन क्या करें, हम भी यंग थे, हम भी ऐसे होंगे। तो बैक टू का सेकंड ट्रैक, तो ये आप देखने से राइट साइड पर रेस्टोरेंट आ गया, ये फिर लेफ्ट साइड पर पार्किंग आ गई सारी। तो इस तरीके चल रही है सारा बीच का एरिया, इधर आप कहीं भी बैठ के नहाना शुरू कर सकते हैं उस साइड पर जाके, कोई नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन इस साइड पे शावर थोड़े कम, आगे ही साइड पर थोड़ा और ज़्यादा, तो वो आपको और शावर मिल जाएंगे वहाँ। तो ये सारा बीच का एरिया आप देख ही रहे होंगे। तो अभी आया हूँ, फैमिली के साथ भी आया हूँ, लड़कों के साथ भी आया हूँ, तो यहाँ पे तो मैं आता रहता हूँ, ऐसा मसला नहीं है, अच्छी जगह और सुकून है। सुबह के टाइम थोड़ा कम रश है, तो ये थोड़ा बीच से भी मैं कट रहा हूँ, थोड़ा ये ट्रैक है जो आउट ऑफ द बीच है। उसके बाद आगे जाके फिर बीच से कनेक्ट रहेगा, ये थोड़ा आउट ऑफ द बीच उन्होंने बनाया हुआ ट्रैक। तो ये अभी मैं फिर बंद कर देता हूँ, फ़ायदा नहीं है ये जगह जगह दिखाने का। रोडें वगैरह हैं, रोडें हैं, और ये शिपिंग यार्ड्स होते हैं ना बेसिकली, आप रेंट कर सकते हो साइकिल। अच्छा, यहाँ पूरा गर्मियों में ना पूरा भरा होता है, लेकिन आज खाली है, तो मैं भी सर्दियों में कोई नहा नहीं रहा हूँ पानी में, क्योंकि आज सर्दी भी थोड़ी सख्त है। तो मैं काम करता हूँ, मैं आगे से बनाता हूँ, इसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, शिपिंग यार्ड वगैरह आएगा यहाँ पे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं करने के लिए। ये बैक टू द बीच ट्रैक, लेकिन सारी शिप के रेंट हैं, ये राइट साइड पे आप से भी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, फॉर पार्किंग पर्पस उन्होंने बनाई शिप की पार्किंग। तो अगेन ये राइट साइड पे आपका वो आ गया, सफर बीच आ गया राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे वही रेजिडेंसी होटल्स टाइप जगह है, जो बिल्ली आ रही है ट्रैक पे। तो अब ये जो बीच आ रहा है, इसमें हमेशा बहुत रश होता है। अब ये जो है यहाँ से लेके आगे तक कंटिन्यूसली बहुत रश होगा, तो इसमें आपको ज़रा देखना पड़ेगा। अब ये जो बीच आ रहा है, इसमें आपको कंटिन्यूसली बहुत रश मिलेगा। यहाँ पे बहुत फेमस लोग, बड़े मतलब काफ़ी लोग आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, मैं हमें रेस्टोरेंट से आते हैं या क्या पता, किसी के सबके नियर बाय है, कोई बस आती है, इजी टू एक्सेस है। लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले रश थोड़ा कम है, गर्मियों में ज़्यादा होता है, आई थिंक विंटर में लोग डिफरेंट प्लान्स होंगे, कहीं दूसरी जगह पर जा रहे होंगे या कुछ प्लान्स होंगे। कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं, सी बर्ड्स होते हैं ना, मैं लिखा वॉशरूम शेड एरिया इस तरीके से बनाया हुआ उन्होंने। तो ये सारे बर्ड्स वगैरह भी बैठे हैं बहुत सारे। तो ये हमारा ट्रैक है, मैं वापस आ गया। तो ये देखें आप, ये ट्रैक्टर है, जैसे प्लेन कर रहा है सैंड को प्लेन कर रहा है उसको, फिर वापस तो ख़राब हो जाएगी, लेकिन फॉर टाइम बिंग लुक में अच्छा लगता है। ये लोग योगा कर रहे हैं, जैसे लहरें इतनी ज़बरदस्त लहरें बन रही हैं पानी में, वो हो बड़ी ज़बरदस्त लहरें बन रही हैं, आप देख रहे होंगे ये सारा। तो देखिए कोई है नहीं आज, अरे विंटर में खाली है, क्या बात, विंटर में लोग नहीं आते, इसका मतलब बिल्कुल खाली पड़ा है। मे बी आफ्टर सम टाइम में भी तो वेदर थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड पे वो भी है, क्या कहते हैं उसको, वॉलीबॉल का ग्राउंड, पूरी लहरें बन रही बड़ी दौड़ते हैं, नहाने वाला कोई नहीं है, कुछ
कुछ अजीब गरीब लोग नहा रहे होंगे, वैसे कोई नहाने वालों का चांस मुझे नहीं लगता क्योंकि ठंड इतनी है कि मुझे नहीं लगता चांस। थोड़ा सूरज ऊपर आएगा, सूरज से आ रहा ऊपर, आई थिंक ऊपर आएगा तो देन आई थिंक देयर इज चांस के लोग आके गोते लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन करंटली आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस। तो बस ये राइट साइड पे हमारे जुमेरा बीच कंटिन्यूसली चल रहा है, हमारा टारगेट सामने आपको दिख रहा है बुर्ज अरब, उसके करीब जाना है हमें, तो उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो सामने बीच है, बस आपको क्लियर दिख रहा होगा, आई थिंक बीच तो दिख रहा होगा आपको, इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा आपको कि भाई बीच तो नहीं है, ऐसी बता रहा है, ऐसी कह रहा है, तो आई थिंक ये केस तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से तो आप लोग भी आ सकते हैं, आपके पास अपने अपनी साइकिल है तो अपनी साइकिल में आ जाए, करीम की साइकिल तो करीम ले लें, विंटर में और अच्छा है लेकिन समर में भी चलता है, तो ऐसा मौसम लोगों को पीछे करना पड़ेगा। मैंने पीछे कर दिया, वही देखिए सारा ये देखिए, अच्छा ये जो है ये लाइटें हैं, जो राइट हैंड का खम्भे पोल देखना ना, गोल घूमे हुए लंबे लंबे, ये लाइटें हैं, ये रात को चलती हैं लाइटें, ये सारी लाइटें हैं राइट साइड पोल जो जा रहे ऊपर तक, ये लाइट्स हैं। देखिए रशियन लैंग्वेज में लिखा हो, वो इसमें रशियन टूरिस्ट बहुत आते हैं इसलिए उन्होंने लिखा है स्विमिंग अलाउड 24 आवर्स, तो अरबी में नहीं लिखा, चाइनीज़ में नहीं लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, लेकिन रशियन में लिखा है, इसमें रशियन ज़्यादा है, रशियन को ज़्यादा बीच पसंद है, बहुत लहरें तो बहुत ज़बरदस्त बन रही हैं यार, हाँ तो लहरों का भी ज़ोर है, सही लहरें ऊपर ऊपर आ रही हैं। अच्छा इधर तो रश नहीं मिला, मुझे लगता है बुर्ज अरब के साथ जो बीच है उधर रश मिलना चाहिए, उधर भी नहीं मिला तो बस फिर लोग कहीं और गए होंगे। ओके उधर भी नहीं मिला तो बस फिर लोग कहीं और गए होंगे, तो अभी अगेन बीच से हट के एरिया आएगा, ये इन्होंने इस तरह से बनाए हैं कि शिपों के लिए पार्किंग यार्ड और वो शिप्स के लिए उन्होंने बनाया है एरिया, तो पहले भी कहा था अभी भी गया, अभी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, सोचता तो आ रहा है। मैंने हेलमेट नहीं पहना था और हेलमेट का फाइन भी है, तो सुबह रश कम होता है तो मुझे खैर छोड़ता तंग नहीं करता, लेकिन इवनिंग में अगर आप लोग आएँ तो हेलमेट जरूर पहन लेना भाई, फिलहाल जब फाइन है आप टूरिस्ट हो, यहाँ पे काम करते हो, कुछ भी हो, फाइन तो आएगा, टूरिस्ट हो तो वो फाइन आपके डाल देंगे वीज़े पे, जब एग्ज़िट करने जाओगे तो पे करना पड़ेगा, तो इसलिए आप ये देखिए बुर्ज अरब के करीब आ गए हम लोग, ये देखिए फ्लैग्स लगे हैं, फ्लैग डे बनाते हैं ना कुछ, तो इन्होंने फ्लैग भी लगाए हैं, ये मैं मार रहा हूँ, ये देखिए ये राइट साइड पे ये सारा फ्लैग बनाया है। अच्छा यहाँ पे भी रेस्टिंग है भाई, क्या बात, मज़े करो। तो यहाँ पे आगे जाके सोचो ना ट्रैक ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे बस यहाँ तक है, इसके आगे ट्रैक ख़त्म हो जाएगा, तो
फिर वॉक करना पड़ेगा। ये आप फ्लैग हैं सारे, वापसी में देखते हैं अगर टाइम है तो उस फ्लैग के अंदर आपको घुस के दिखाऊंगा। तो ये देखिए वो कर रहे हैं वाटर ऑफ होते हैं स्पोर्ट्स, क्या कहते हैं स्कीइंग, वाटर स्कीइंग वो कर रहे हैं। बस तो ये देखिए ख़त्म हो रहा है, आप देखिए ये जो है ना अभी ख़त्म हो जाएगा, ड्रॉइंग ट्रैक बाहर ले जाएंगे। ये ट्रैक है बस यहाँ तक बीच का ट्रैक, और सामने बस खलीफा है, वो सामने जुमेरा होटल है। तो यहाँ पे रश है, यहाँ पे होता है। तो ज़रा टाइमिंग देख लेता हूँ कितनी हो गई है, 26 मिनट हुए, तो आई थिंक आई हैव टाइम, ऐसी बात नहीं। तो ये सारा बीच का एरिया आपको मैंने दिखा दिया, आपको एक्सप्लोर करा दिया मैंने। अभी ये ट्रैक जो है ख़त्म हो गया है, अभी ये ट्रैक जो है ये बीच ट्रैक ख़त्म हो गया, लेकिन जो साइकिलिंग ट्रैक है वो तो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। ये आपको यहाँ से सीधा सीधा आप जाते रहेंगे तो आपको ये ऑलमोस्ट JBR तक जाएगा, दुबई मरीना JBR वहाँ तक ले जाएगा आपको अगर आप इस पर सीधा चलते रहे। तो हमने तो उतना दूर नहीं जाना है, तो हम जो हैं वो खड़ी कर देंगे साइड पे, स्टेशन देख के, बाइक का स्टेशन देख के कहीं साइड पे खड़ी कर देते। लोग जो हैं वो रनिंग कर रहे हैं अभी तक, तो बेसिकली एंड है ये, हम लोग एंड कर रहे हैं वीडियो को। तो आगे जाके ना मैं उसको स्टेशन में लगा के एंड कर देता हूँ। साइकिलिंग ट्रैक पर आया हूँ, आई थिंक रनिंग कुछ प्रोग्राम चल रहा है उनका। आई थिंक जो मौजूद रखता ब्लू हो पाए, क्या हो रहा है, तो मेरे सस्ता हो गई उस साइड पर आने से। साइकिल जो है मैं इधर लगा देता हूँ, स्टेशन है यहाँ पे। तो ये मेरा आपका फिनिश हो गया साइकिल टू, वो हो ये तो काम नहीं कर रहा, बस ये फिनिश हो गया सही। तो ये आपका है, मैं उस बस अरब की तरफ जाऊँगा, ये फिनिश हो गया आज का। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब योर चैनल, थैंक यू।